इस तरफ में इसका सेल्स ऑफिस है, महिंद्रा से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। प्लॉट 3 साइड ओपन है, जैसे प्रोजेक्ट कॉल्ड पंचशील टावर, 5 टावर इसमें रहने वाले हैं। PHK वो आपका 1115 स्क्वायर फीट का है और 1230 स्क्वायर फीट का है। एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट रहेंगे 4 BHK इसके, और 30 प्लस प्रीमियम एमिनिटीज रहने वाली है। रेरा की बात करेंगे तो रेरा में लॉगिन करने के बाद लिटिगेशन लैंड पार्सल में कुछ है तो नहीं, तो इट क्लियरली सेज नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि लिटिगेशन नहीं है। डिलेड पोजेशन का केस अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिला है, तो उसके बेसिस पर मैं आपको एक सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। साइट में बैठा हूँ आपको असिस्ट करने के लिए, मेरे साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कैब्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉर्ट। गेस्ट तो कर लिया होगा, महिंद्रा कोडनेम क्राउन खराड़ी में नया लॉन्च है जिसको कवर करने के लिए आया हूँ, तो इसमें सारी डिटेल देंगे। और इस तरफ में इसका सेल्स ऑफिस है, बेसिकली लैंड पार्सल पे तो मैं खड़ा ही हूँ, विजिट चालू हो चुकी हैं, तो इस साइड में मैं खुद बैठ रहा हूँ। तो अगर आपको विजिट करना है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होकर के मेरे से यहाँ पे आ सकते हैं विजिट के लिए, बुकिंग के लिए। उसके अलावा मैं नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी डाल दे रहा हूँ जिसमें आप महिंद्रा से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। चॉइस इज योर कि आपको मेरे थ्रू जाना है या डायरेक्ट कनेक्ट होना है। ओके, ये तो हो गई बात इसकी। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 जिसमें प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। 2nd जिसमें मैं आपको रेरा और उसके लीगल जो भी फाउंडेशन है उसके बारे में हम बात कर लेंगे, रेरा के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड 3rd एक सैम्पल फ्लैट, मतलब इधर पे तो बना नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैंने जितने सारे सैम्पल फ्लैट कवर किए हैं तो उसके रूम साइजेस जो इसके फ्लोर प्लान को मैच करते हैं वो दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा अलग अलग सैम्पल फ्लैट के थ्रू, ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इसके रूम साइजेस कैसे हैं, तो आपको किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पार्ट 1 में बेसिकली 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, लैंड पार्सल आप देख लीजिए, प्लॉट 3 साइड ओपन है, यानी विंड वेंटिलेशन का कभी इशू नहीं रहेगा पूरे प्रोजेक्ट में। टोटल 5.5 एकड़ में 10 नहीं 6 नहीं सिर्फ 5 टावर आ रहे हैं, यानी बैलेंस डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बहुत हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं है, और इसलिए इसमें एक प्रीमियम का फैक्टर, एक फील आपको हमेशा आएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रीसेल वैल्यू और रेंटल वैल्यू हमेशा ऑन द हायर साइड रहेगी। अगर आपको याद हो तो एक प्रोजेक्ट है खराड़ी में फॉरेस्ट काउंटी विच इज़ वेरी हाई इन डिमांड, देयर इज़ ए प्रोजेक्ट कॉल्ड पंचशील टावर। There is a project called Marvel Sirais. अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कितना ओपन स्पेस है, बैलेंस डेंसिटी है, प्रीमियम कितना है आज भी डिलीवरी होने के बाद, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी आपको मिलेगा। 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल देख लीजिए, 5 टावर इसमें रहने वाले हैं। अगर मैं टावर्स की बात करूं तो अभी सिर्फ 3 टावर लॉन्च हुए हैं 5 में से, जिसमें 3 लेवल ऑफ बेसमेंट पार्किंग, 2 लेवल ऑफ आपका पोडियम रहेगा जिसमें एमिनिटीज रहेंगी, एंड देन 30 फ्लोर आपका रेसिडेंशियल टावर रहने वाला है। जो इन्वेंट्री इन्होंने लोकेट किए 2, 3 एंड 4 BHK वो टावर वाइज किए, तो सबसे पहले मैं आपको कन्फिग्रेशन बता देता हूँ। तो 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 778 कारपेट से 867 का कारपेट है, 2 वेरिएशन है 2 BHK, एक स्मॉलर कारपेट एक बड़ा कारपेट। दूसरे प्रोजेक्ट में तो 750 को ही बड़ा कारपेट बोला जाता है, यहाँ पे 768 छोटा कारपेट है एंड 867 बड़ा कारपेट है। उसके फ्लोर प्लान की भी बात करेंगे। उसके बाद जो आपका 3 BHK वो आपका 1115 स्क्वायर फीट का है और 1230 स्क्वायर फीट का है। उसके बाद जो आपका 4 BHK जो फाइनल वेरिएशन है वो 1600 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स का है, प्लस 2 BHK 3 BHK और 4 BHK आपको गार्डन फ्लैट्स के ऑप्शन में मिलेंगे, मतलब कि इनहेंस एक्सटेंडेड टेरेस के साथ में। ओके, अब बात कर लेते हैं टावर 1 की। टावर 1 में आपके स्मॉलर कारपेट ऑफ 2 एंड 3 BHK रहेंगे, जिसका मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दिया हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूँ। टावर 2 में आपके लार्ज कारपेट ऑफ 2 एंड 3 BHK रहेंगे, एंड टावर 3rd जो लॉन्च हो रहा है उसमें ओनली 4 BHK आने वाले हैं। टावर 1 जो स्मॉलर कारपेट 2 एंड 3 BHK उसमें एक फ्लोर पे 8 फ्लैट रहेंगे और 4 लिफ्ट रहेगी। टावर 2 जिसमें बड़े कारपेट के 2 एंड 3 BHK उसमें एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स रहेंगे, कॉर्नर फ्लैट्स ऑल 3 BHK, मिडिल फ्लैट ऑल 2 BHK, वेदर टावर 1 और टावर 2। एंड टावर 4 उसमें सिर्फ एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट रहेंगे 4 BHK इसके, और उसमें भी 4 लिफ्ट रहने वाली है। तो ये स्पेसिंग और जो स्पेसिंग है और जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी अच्छी है। एमिनिटीज़ पे आ जाते हैं, तो एमिनिटी 30 प्लस प्रीमियम एमिनिटीज़ रहने वाली है, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल रहेगा,
क्लब हाउस आपका दो लेवल का रहेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो आप वो देख लीजिए। उसके बाद इसके फ्लोर प्लान को मैं रन कर दे रहा हूँ, तो आप फ्लोर प्लान समझ लीजिए, डायमेंशन समझ लीजिए। बेसिकली आप वीडियो पॉज करते जाइए और सारे डायमेंशन आप समझते जाइए। इसके बाद हम रेरा की बात करेंगे। तो रेरा में लॉगिन करने के बाद मैंने ये सारी डिटेल्स निकाली, तो चलिए रेरा की साइट में जाते हैं और सारी डिटेल समझते हैं सेकंड पार्ट में। उसमें सर्च प्रोजेक्ट का सेक्शन होगा, जिसमें आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट का नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको दो रिजल्ट रिफ्लेक्ट होंगे, महिंद्रा कोडनेम क्राउन ए एंड बी, एंड उसके बाद महिंद्रा कोडनेम क्राउन टावर ई। तो अभी ये सिर्फ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये अभी सिर्फ तीन टावर लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको यही दो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। इसमें आप सर्टिफिकेट में जा करके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट डेट है और जो आपका प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन डेट है वो वहाँ पर मैंशन रहता है, अलॉन्ग विद QR कोड। अगर आपको इसके और डिटेल में जाना है तो आप व्यू डिटेल्स में क्लिक कर सकते हैं और एक सेकेंड विंडो ओपन होगा और इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपमेंट, महिंद्रा का प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली उन्हीं का नाम रहेगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो पास्ट एक्सपीरियंस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, मतलब आपको एक क्लियर इंडिकेशन आएगा यहाँ से कि आपको टाइमली पोजिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिल्डर की लीगेसी कैसी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या कंप्लीशन डेट उन्होंने प्रपोज किया था और एक्चुअली कब कंप्लीट किया था। तो बहुत क्लियर यहाँ दिख रहा है, दिसंबर 27 का पोजेशन डेट उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन जुलाई 2017 सिक्स मंथ्स बाय अर्ली ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया है। और बहुत सारे, और अगर हम और एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे आइदर जो रेरा डेट प्रॉमिस की, जो उन्होंने प्रॉमिस किया उसी में कंप्लीट किया है या उससे पहले कंप्लीट किया है। डिलेड पोजेशन का केस अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिला है। आगे की तरफ मूव करेंगे स्क्रॉल करके, तो जैसे मेंबर जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्लियर नाम रहेगा, पोजेशन का प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीशन आपको देखने को मिलेगा, उसके लैंड पार्सल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ क्लियर लिखा है सेक्टर R14 ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप, यानी कि सॉलिटेयर का जो लैंड पार्सल है जिसमें सेक्टर 14 महिंद्रा डेवलप करेगा। तो जिस तरीके से VTP कुछ सेक्टर्स डेवलप कर रहा है, गोदरेज ने कुछ सेक्टर डेवलप किए हैं 100 एकड़ में, और अभी गैरा भी एक सेक्टर डेवलप कर रहा है, उसके साथ ही साथ कोहिनूर भी आने वाला है। तो इन्होंने जो मतलब 5 to 6 अलग अलग डेवलपर सॉलिटेयर के लैंड पार्सल को डेवलप कर रहे हैं और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंडर में ये आता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा सॉलिटेयर टाउनशिप रोड, जो उधर की रोड यूज़ होने वाली है, एंड उसके आगे FSI डिटेल आप इसको रीड कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। देन वी कम टू प्रोजेक्ट डिटेल, एग्जैक्टली इसमें क्या है, तो नंबर ऑफ कवर्ड कार पार्किंग जैसा आप देख पाएंगे। डेवलपमेंट वर्क की बात करें तो इंटरनल रोड्स, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी मैनेजमेंट जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, टिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो पार्ट ऑफ लार्जर लैंड। उसके बाद बिल्डिंग डिटेल्स में चले जाएंगे। बिल्डिंग डिटेल्स में आपको क्लियर दिखेगा कौन सा टावर है, उसका कंप्लीशन कब है, कितने बेसमेंट हैं, कितने पोडियम हैं, कितने फ्लोर सेंक्शन हुए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 and 3 BHK के जो ऑप्शन है उसके क्या कारपेट्स और कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं। नंबर ऑफ बुक्ड अपार्टमेंट आफ्टर एग्रीमेंट्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद टास्क एंड एक्टिविटी पे जाते हैं, तो ये आपको 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तो ये प्री लॉन्च स्टेज में है, अभी इसका काम स्टार्ट होने का है, तो जैसे जैसे इसका काम होता जाएगा ये आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। लाइक वाइज टावर बी की भी बात कर लेंगे, तो उसमें भी सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, जो सबसे वैल्यूएबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लिटिगेशन लैंड पार्सल में कुछ है तो नहीं, तो इट क्लियरली सेज नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि लिटिगेशन नहीं है। बाकी फिर आप लीगल टाइटल रिपोर्ट यहाँ पे व्यू करके या डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, फाइनेंसिस के बारे में रीड कर सकते हैं, लीगल कंसर्न समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लीगल उसके बारे में रीड कर सकते हैं, लेआउट चेकआउट कर सकते हैं। तो लेआउट क्लिक करने पे आपका कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा और वहाँ पे पूरा का पूरा बाइफरकेशन आपको मिल जाएगा कि टावर ABCD किस तरीके से है, तो वो आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी डिटेल्स को समझने के लिए। अब
अगर आपने फ्लोर प्लान और रेरा समझ लिया है, प्रोजेक्ट समझ लिया है, तो मैं सैम्पल फ्लैट जो मैंने अलग अलग जगह पे रूम साइजेस और ये सब कलेक्ट किए थे, तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका यूटिलाइज हो सकता है घर, और किस कितना मतलब आपका लिविंग स्पेस आपको मिल रहा है, कितना डाइनिंग स्पेस मिल रहा है, किस साइज़ का आपको बेडरूम मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रन करके दिखा दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट का कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट रूम साइजेस जो इससे मैच करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कोशिश करता हूं कि मैं आपको 3 BHK का दिखाऊं, 3 BHK का मैं ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज 2 BHK 3 BHK में सिर्फ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट का 3 BHK है, तो एक रूम हटाने से 2 BHK आपका रेडी। वेदर यू गो विद 3 और 4 BHK, आपको वॉक इन वार्डरोब मास्टर बेडरूम में मिलेगा और 2 टेरेस मिलेगी। 2 BHK में आपको बड़े कारपेट में वॉक इन वार्डरोब मिलेगा, छोटे कारपेट में नहीं मिलेगा। तो चलिए सैम्पल फ्लैट का थोड़ा सा ये व्यू देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई गई हो। जैसा मैंने बताया था, नीचे मैंने डायरेक्ट एक लिंक भी लगा दिया, आप डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं साइट में बैठा हूँ आपको असिस्ट करने के लिए, मेरे साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एवरीवन जो मेरे थ्रू बुकिंग करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो विजिट बुक करें। कैब्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।